हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके एग्जाम चैनल, अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स। तो गाइस, हम लोग FCI AGM टेक्निकल एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इस चैनल में, जिसमें हम केमिस्ट्री सीरीज में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर का नेम है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट व्हाट आई वांट टू गेट यू इज हम लोग 1000 MCQ सीरीज को जल्द ही चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही हमारे ये सारा सिलेबस चैप्टर्स का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म होगा, उसके बाद ही हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड 1000 MCQ सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भी केमिस्ट्री के बारे में समझ पाएं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है तो प्लीज गाइस परचेस दिस कोर्स। दिस इज द वेरी क्रूशियल कोर्स फॉर योर FCI AGM टेक्निकल, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, PDFs, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्लीज परचेस दिस कोर्स। तो आइए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। देखिए, कुछ न्यूक्लियाइज ऐसे होते हैं जो एमिशंस करते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को। ठीक है, यानी इनके अंदर स्वतः ही रेडिएशंस एमिट होते हैं, अपने आप रखे रखे ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, ऐसे सारे न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और द फिनोमिनन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली, देखिए स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप। और इस घटना को जिसमें ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं, रेडिएट करते हैं, इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद गाइस, इसकी जो डिस्कवरी करी गई थी वो हेनरी बैकरल द्वारा करी गई थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, डिस्कवरी हेनरी बैकरल ने करी थी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो नाम था वो मैडम मैरी क्यूरी ने रखा था। ठीक है, उसके बाद ये एक नेचुरल न्यूक्लियर फेनोमेनन है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर से हमेशा क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट जो होता है, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट वॉज द फर्स्ट कंपाउंड फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। पहला ऐसा कंपाउंड था जो रेडियो एक्टिव पाया गया, यानी जिस कंपाउंड के अंदर से अपने आप रेडिएशंस क्या हो रहे थे, एमिट आउट हो रहे थे। उसके बाद ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, वॉज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा, अगर पेपर में पूछा जाए वॉट इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो याद आंसर होगा उसका ट्रिटियम, 1H3। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1H3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाइस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जानते हैं यहाँ पर हम लोग कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। 3 प्रकार के रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं। अब इन तीनों की हम लोग प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी एग्जिस्ट करती है। तो पहली होती है नेचर। देखिए, याद रखिए, अल्फा रेज हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और गामा न्यूट्रल रेडिएशन होते हैं। चार्ज की बात करें तो इसका 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, चूंकि ये नेगेटिव है तो इसका -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा रेस न्यूट्रल होती है, दैट्स व्हाई इट्स चार्ज विल बी 0। अगर हम बात करते हैं मास की, तो 4 यूनिट मास होता है इसका, 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम का इतना पार्ट इसका मास होता है और इसका नेग्लिजिबल मास होता है। वेलोसिटी की बात करें तो 5-10% वेलोसिटी ऑफ लाइट, जबकि ये 96-99% वेलोसिटी ऑफ लाइट, जबकि ये जो है वो सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करती है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर काफी कम होती है क्योंकि काफी भारी होते हैं, इनकी मीडियम होती है, जबकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता काफी अधिक होती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी काफी ज्यादा होती है, इनकी थोड़ी उससे कम होती है और इनकी सबसे कम होती है। तो गाइस, ये सारे थे। बायोलॉजिकल इफेक्ट की भी बात कर लें तो काफी डेंजरस होते हैं ये, अल्फा रेज जो होती है, बीटा रेज और ज्यादा, गामा रेज बहुत ज्यादा डेंजरस, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो काफी हाई होती है। तो गाइस, आई थिंक ये पूरे जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, अगर कोई एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होकर दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होने का मतलब रेडिएशन को एमिट आउट करके, ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को ही हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कितने प्रकार के रेडिएशन होते हैं, तो 3 प्रकार के रेडिएशन होते हैं, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेडिएशन होते हैं। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी करी गई थी वो रोडी, रदरफोर्ड एंड सोडी के द्वारा करी गई थी। रदरफोर्ड और सोडी ने प्रपोज किया था रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को। दूसरी चीज,
हमेशा याद रखिए कि पहले अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन होंगे, उसके बाद ही आपके गामा रेडिएशन होते हैं। यानी गामा रेडिएशन हमेशा सेकेंडरी इफेक्ट को शो करते हैं, यानी कि जो गामा रेडिएशन होंगे वो अल्फा और बीटा के होने के बाद में ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कितने प्रकार से होते हैं। तो पहला होता है अल्फा डिके, दूसरा होता है बीटा डिके, और थर्ड वन होता है हमारा गामा डिके। याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल के डिके होने से, यानी अल्फा एमिशन होने से किसी भी न्यूक्लियाई पर क्या फर्क पड़ता है। पहला फर्क उसका यह पड़ता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो दो यूनिट कम हो जाता है। जैसे यहां पर 92 है तो अब ये बचा 90, और उसका जो मास नंबर है वो 4 यूनिट कम हो जाता है। जैसे यहां पर यूरेनियम का 238 है तो ऊपर हो गया 234। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अल्फा रेडिएशन एमिशन। ठीक है, याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट डिक्रीज हो जाता है जबकि जो मास नंबर होता है वो 4 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4, जितना भी मास में चेंजमेंट हो रहा है, जैसे 238 से 234 हो रहा है, यानी 4 का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 1। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 1 यहाँ से एमिट आउट हुए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा में हमारा क्या होता है कि इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट, एक यूनिट बढ़ जाता है जबकि मास नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर 82 था, यहाँ पर हो गया 83। अब फॉर्मूला क्या है सर निकालने का बीटा पार्टिकल्स के, तो 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए हैं उसका दुगुना माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से एक अल्फा और दो बीटा पार्टिकल्स का एक साथ एमिशन होता है, तो वो जो जो पार्टिकल होता है या न्यूक्लियाई होता है वो हमेशा आइसोटोप होता है। ठीक है, गामा डिके के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता, ना मास नंबर ना एटॉमिक नंबर। तो गाइस, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ? पेपर में काफी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रुप। आपने पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं अपने सीरीज में पढ़ाऊंगा आपको। एक होते हैं पीरियड्स और एक होते हैं ग्रुप्स। ये होते हैं हमारे पीरियड्स हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल होते हैं हमारे ग्रुप। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेस करना मतलब कहीं आगे चला जाना, कहीं पीछे चला जाना, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो याद रखिए, किसने बताया था? सोडी, रिजल और फजान ने इस नियम को दिया था। सोडी, रिजल और फजान। सोडी ने और क्या दिया था हमारा, याद करिए, पिछली प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा था, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद अब ये सर होता क्या है, व्हाट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ? तो याद रखिए कि जब भी अल्फा एमिशन होगा तो जो हमारा नया न्यूक्लियाई बनेगा, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो हमेशा टू प्लेसेस लेफ्ट पोजीशन पे हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए यहाँ पर आया है, ठीक है, अगर यहाँ से एक अल्फा एमिशन हो रहा है, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है उसका अगर एक अल्फा एमिशन हो रहा है, तो वो जो नया बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई वो टू प्लेसेस पीछे होगा। याद हो गया, अगर बीटा एमिशन हो रहा है तो डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेगा वो वन प्लेस राइट ले लेगा। मान लीजिए अगर इसका हम कह रहे हैं बीटा एमिशन हो रहा है, तो वो हमेशा एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सा नियम है, अगर अल्फा होगा तो दो पीछे आ जाएगा, बीटा होगा तो एक आगे आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में या एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए हैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के बाद बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि 2 सेकंड में 50 एटम डिसइंटीग्रेट होते हैं, 2 मिनट में 50 एटम डिसइंटीग्रेट होते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के, तो 1 सेकंड में गाइस कितना हो जाएगा, 25। तो इसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 25। बहुत सिंपल सा है। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद करिए बस पेपर के प्रोस्पेक्टिव से, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। अब यहाँ पर मैं सारे सिंबल्स बता देता हूँ। एन नॉट है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, कि पहले उसमें कितने एटम्स थे, मान लीजिए 50 थे, और डिसइंटीग्रेट करने के बाद सिर्फ कितने बचे, 25 बचे हैं। ठीक है, और एन टी होता है आफ्टर टाइम टी समय के बाद, 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स बचे हुए। क्लियर हो गया गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। याद रखिए, मान लीजिए हमारे पास 100 एटम्स का कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, अब उसको जस्ट हाफ होना है, उसको होना है 50। डिसइंटीग्रेट होता रह रहा है, होता रह रहा है। मान लीजिए एक साल में 98 हो गए, दूसरे साल में 97 बचे, तीसरे साल में 95 बचे, ऐसे। और उसको डिसइंटीग्रेट होके कितने न्यूक्लियाई, कितने एटम्स बचाने हैं अपने, सिर्फ 50, यानी जस्ट हाफ बचाने हैं। तो याद रखिए, किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को
अपनी हाफ वैल्यू होने में जितना भी समय लगता है, जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम को ही बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। उस टाइम को ही क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। कैसे डिनोट करते हैं गाइस? टी हाफ से। और टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, 0.693 डिवाइडेड बाय के, जहां पर के आपका एक कांस्टेंट है। याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। एवरेज लाइफ क्या होती है? एवरेज लाइफ को सिर्फ निकालने का फॉर्मूला याद रखिए, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, जहां पर अभी मैंने के की टी हाफ की आपको वैल्यू बताई थी, याद करिए 0.693 डिवाइडेड बाय के बताया था अभी मैंने आपको। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ। तो जब ये फॉर्मूला आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.44 इनटू t हाफ। यानी अगर आपको t हाफ की वैल्यू पता है, यानी हाफ लाइफ पीरियड पता है, तो आप उसकी एवरेज लाइफ को भी आसानी से क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑकरिंग इन अ रेडियो एक्टिव पर सेकंड। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, कितने एटम्स के मतलब एमिट आउट हो रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं एक्टिविटी। तो याद रखिए ना, सीधा सा, जितनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा। मान लीजिए एक सेकंड में 50 निकालता है, दो सेकंड में भी कितना 100 निकालेगा, वो डबल हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी होगी उतना ही फास्टर उसका क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो याद रखिए बेसिकली तीन यूनिट बताई गई हैं, क्यूरी, रदरफोर्ड और बैक्करल। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है? आपको कुछ खास नहीं याद करना, पेपर के लिए आपको ये याद रखना है कि वन क्यूरी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन रदरफोर्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, और वन बैक्करल इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो पहले हम लोग उल्टा चलते हैं। वन बैक्करल इज इक्वल्स टू होता है वन डीपीएस। डीपीएस का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डीपीएस का मतलब क्या होता है? दिल्ली पब्लिक स्कूल ने, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। वन रदरफोर्ड का मतलब होता है 10^6 डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। यानी एक रदरफोर्ड का मतलब होता है 10^6 डीपीएस। और वन क्यूरी का मतलब होता है 3.7 × 10^10 डीपीएस। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया था कि वन क्यूरी का कितने डीपीएस वैल्यू होती है, 3.7 × 10^10 डीपीएस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एटम, वो न्यूक्लियाई अपने आप डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा होगा, उसको हम एक्सटर्नली क्या करा रहे होंगे? डिसइंटीग्रेट करा रहे होंगे। तो देखिए, अच्छा खासा यहाँ पर एल्यूमिनियम का एटम है हमारे पास, जिसमें हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, और यहाँ पर हमारा सोडियम का एक रेडियो एक्टिव स्टेबल एटम हमको यहाँ पर मिल रहा है, और हीलियम एमिशन यानी अल्फा एमिशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम जबरदस्ती किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, इन सब का बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो इस कारण हमें एक रेडियो एक्टिव स्टेबल न्यूक्लियाई मिलता है। इस एक्टिविटी को, इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसको सिंथेटिक भी बोला जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। तो गाइस, ये था हमारा पूरा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं, जिससे मैं अभी 1000 MCQ सीरीज लाने की जो सोच रहा हूं। प्लीज़ गाइस, कमेंट करके करिए कि आपको ये सुझाव कैसा लगा है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस 1000 MCQ सीरीज को लॉन्च किया जाए। अगर आप सब लोग का पॉजिटिव कमेंट आएगा तभी मैं ये सीरीज को लॉन्च करूंगा, और सिर्फ ये FCI के एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो SSC हो, चाहे वो स्टेट PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको कहीं भी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो गाइस, कोविड चल रहा है, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, ठीक है, और कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।